नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस और कृषि फाउंडेशन दौसा के अंदर। और आज हमारा बीएचयू स्पेशल क्लास का 5वां दिन है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कल, TYQL बराबर CPPM होता है तो बताइए RAML बराबर क्या होगा। तो देखिए, ये सारे टर्म्स को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था और मैंने ये बताया था कि यहाँ पे देखिए 16, 16, 13 और 3, यहाँ पे 20 में से 4 गए तो कितने बचते बेटा 16, और 25 में 4 जोड़े तो कितने होते हैं 3। उसी प्रकार 17 में से 4 घटा दिए तो कितना आता है 13, 13 और 4 कितने होते हैं 17। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस 4 कर दिए, 12 और 4 कितने होते हैं 16। तो हमारी एक सीरीज प्राप्त होती, पहले वाले में -4, दूसरे वाले में +4, पहले वाले में -4, दूसरे वाले में +4। ये सीरीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे देखिए, पहले वाले में -4, दूसरे वाले में +4, तो 18, 18 -4 करेंगे तो कितना आता है n 14 पे, और एक में क्या करना है प्लस तो e आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरे वाले -4 और चौथे वाले में +4 बन गया, प्लस प्लस -4 +4 -4 +4, ठीक है। तो 13, 13 में से 4 गए तो कितने बचे 9, 9 पे क्या आता है बेटा i, और 12, 12 में 4 जोड़े तो कितने होंगे 16, 16 पे क्या आता है p। तो थोड़ा सा करेक्शन है, ये कर लीजिए आप, आपका आंसर ये आया था, ये आंसर होगा आपका। थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, वहां पे मैंने u लिखा था, यहाँ पे सॉरी वी लिखा था वहां पे, तो एन कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट टाइप लिखिए बेटा, कौन सी टाइप चल रही है अपनी, थ्री टाइप चल रही थी ये, चौथी टाइप लिखिए। चौथा टाइप लिख लिए आप, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 शब्द को संख्या के रूप में, शब्द को संख्या के रूप में कॉल करना, कॉल करना। फिर वही बात आ गई क्या, कि यहां पे पहले वर्ड से पता चल रहा है कि किसी शब्द को किसी संख्या के रूप में परिवर्तन करके उसको कॉल किया जाएगा। तो शब्द को किसके रूप में, संख्या के रूप में क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। तो टाइप में अपन को क्वेश्चन क्या हो सकता है, नहीं है क्या होगा, यहाँ पे अपन को टाइप भी याद रखनी आवश्यकता नहीं है सर, ये चीज होनी है, क्लियर। अब देखिए, इसके अंदर पहला टाइप लिख लीजिए T1 या T4A, वही क्या साधारण शब्द को संख्या के रूप में व्यक्त या संख्या के रूप में कॉर्ड करना, संख्या के रूप में कॉर्ड करना, मतलब यहां पे साधारण तरीके से केवल अपने जो शब्द हैं उनको संख्या के रूप में परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल 4,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में लैंग्वेज बिल्कुल वही रहेगी, लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी को 1 2 3 लिखा जाता है तो बताइए बी का कोड क्या है, बी का कोड क्या है? तो सीधा सिंपल, बी का कोड क्या है? 2 है ना? ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी सी डी को 2 3 5 लिखा जाता है तथा तथा सी डी ई को 3 5 7 लिखा जाता है तो बताइए सी बी डी ई को क्या लिखा जाएगा। क्लियर से बात है कि इस वाली चीज को ये लिखा है और इस वाली चीज को ये लिखा है। आपको ये देखना है कि सी और डी, यहाँ पे सी और डी और यहाँ पे सी और डी, क्या दोनों समान है क्या? देखिए सी का कोड 3 है और डी का कोड कितना है? 5 है। उसी प्रकार यहाँ पे सी का कोड 3 है और डी का कोड कितना है? 5 है। मतलब दोनों ये चीजें क्या है? सेम है, सेम है। क्लियर? तो हमको क्या करना है, केवल इनके जो सेम है वो यो के उठा के रख देना है। देखो सी का कोड क्या है? 3, तो 3 आ गया। बी का कोड क्या है बेटा? 2, तो 2 लिख दिया। डी का कोड कितना है? 5, तो 5 लिख दिया हमने। डी का कोड कितना है? 5 अंतिम। और ई का कोड कितना है लास्ट में यहाँ पे? 7, तो 7 लिख दिया। ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसा लिख लीजिए, एक बार उतार लीजिए इसको, एक बार मैं क्वेश्चन भी आपको लिखा दूंगा, पहले आप इसको उतार लीजिए एक बार। ये बिल्कुल सबसे इजी टाइप है, इसमें तो हमको कुछ नहीं सोचना, जो मिल रहा है उस कोटियों के उठा के चिप दो बस, ये मान लो। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, कुछ भी। साधारण शब्द को संख्या के रूप में कोड किया गया है। साधारण शब्द है, कोई भी अल्फाबेट्स है, उसको संख्या के रूप में कोड किया गया है। बिल्कुल क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, टाइप नंबर ए का क्वेश्चन है आपका। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में JPQL को 7 3 2 5 से व्यक्त किया जाता है तथा तथा POLQ तथा POLQ को 3 व्यक्त किया जाता है तो बताइए, कि शब्द तो बताइए कि शब्द पी ओ जे क्यू एल का कोड क्या होगा? लिख लीजिए एक बार।